कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली जो दो तीन बातें हैं, रूल्स तो आपके आ जाते हैं बाद में. अगेन जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ था कि स्लाइडें जो है दे आर ब्रोकन इनटू डिफरेंट रूल्स. ठीक हो गया. तो मसले जो बेसिकली आ जाते हैं वो ये आ जाते हैं कि आप हालांकि बचपन से कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं लेकिन आप हमेशा गलत कर देंगे उसको, क्योंकि आंसर को की लेंथ जो है ना आपका दिल करेगा कि मैं ज्यादा लिखूं, विच इज वेरी प्रॉब्लमेटिक. अगर तो एक लाइन का जवाब है, सॉरी एक लाइन का नहीं लेकिन नॉर्मली होता है कि तीन लाइनों का, दो लाइनों का जवाब होता है, तो देन कीप इट विद इन दैट लेंथ. थ्री टू फोर लाइन्स इज कम्प्लीटली फाइन फॉर एनी आंसर. यू डोंट, इफ देर आर फाइव क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन देन यू डोंट नीड टू राइट पैराग्राफ्स ऑन ईच क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी जब पढ़ता है वो कहता है भाई मैंने क्या मांगा, वह डायरेक्ट चीज पूछी हुई है अगर आपसे, तो देन डोंट ट्राई टू राइट इररेलेवेंट स्टफ. इररेलेवेंट चीजों से आपने परहेज करना है. जितनी कोशिश कर सकते हैं आप लोग करें टू स्टे अवे फ्रॉम इररेलेवेंट थिंग्स. ठीक है, इररेलेवेंट मैटर से. तो उसमें रूल्स तो आपके डिफाइंड है लेकिन हम फिर भी इन रूल्स में नहीं स्टिक करते, विच इज वाई आई हैव सम वन और टू प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन फॉर यू एज वेल. क्योंकि आप मेरे साथ करें और आप समझें कि भाई जवाब की लेंथ कितनी हो, हम क्यों एक्स्ट्रा, हमें इतनी आदत हो गई है किसी ऐसे इम्तिहानों में लंबे लंबे जवाब दें कि हम अनफॉर्चुनेटली हर चीज में आप लंबे लंबे जवाब देना चाहते हैं. हम कंसाइज चीजें लिख ही नहीं सकते क्योंकि हमें एट द बैक ऑफ आर हेड हमें लगता है कि भाई अगला बंदा तो पेजेस भर रहा है तो हम हमारे नंबर काटा जाए. ऐसा नहीं है, प्लीज ट्राई टू रिमेन कंसाइज. ठीक है ना, आई नो इट्स अ लिटिल हार्ड फॉर पीपल हु हैव एग्रेसिवली बीन स्टडिंग फॉर सीएसएस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट प्लीज अपने आप को ट्यून करें कि कम अज कम प्रेसी के पेपर में आप रेलिवेंट चीजें, तो चलो रेलिवेंट चीजें तो हर पेपर में लिखनी होती है लेकिन कंसाइज लिखें. ठीक है, अच्छा जी, रूल्स पे आ जाते हैं प्रेस कॉम्प्रिहेंशन के, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन की मैं बात करी थी. सबसे पहले जिस तरह मैंने प्रेसिंग में बताया था कि यू रीड योर पैसेज ट्वाइस थ्राइस इफ नेसेसरी, लेकिन समझना बहुत जरूरी है. लेट कर लें, टाइम ज्यादा लगा लें प्रेसी पे और कॉम्प्रिहेंशन पे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है. इस तरह कॉम्प्रिहेंशन को भी आपने एक बार पढ़ा है और फिर दूसरी बार पढ़े, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि दो बार ठीक है, इससे ज्यादा बार टाइम मत जाया करें इसके ऊपर, क्योंकि मोर और लेस जवाब होते ही हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर. तो आपने एक बार पढ़ा तो आपको ग्रास्प करते हैं सेंट्रल आइडिया कि जी वो कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, उसके बाद दूसरी बार पढ़ें, अगर आपको पहली बार में समझ नहीं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा आपके, देन ट्राई टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट लाइन्स, द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, वो ग्रास्प करने की कोशिश करें आप. अच्छा जी, जब आपको एक बार सेंट्रल आइडिया पता चल गया, जब आपको थीम पता चल गई कि अच्छा अब मुझे समझ आ गया कि ये पैसेज क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ऑथर ने क्या क्या पॉइंट्स मेजर लिखे हुए और क्या क्या हमने इन्फर कर लिया. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास रूम होता है कि आप एक आधा सवाल आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन और आपकी अपनी इन्फरेंस के ऊपर भी आ जाता है कि भाई आप बताएं कि पैसेज में तो ये लिखा हुआ है लेकिन आपको इस बारे इस टॉपिक के ऊपर क्या लगता है, आप अगर सोचते तो किस तरीके से सोचते. ये काफी एक आधा सवाल हमेशा ऐसे होता है जो कि आपके दिमाग को थोड़े से खोलने के लिए या आपका पर्सपेक्टिव जानने के लिए वो पूछते हैं. ठीक हो गया, तीन नंबर चार नंबर बहुत आराम से आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप करेक्ट आंसर कंसाइजली लिखें. ठीक हो गया. अच्छा जी, एक बार जब आपने पैसेज पढ़ लिया, आपको सेंट्रल आइडिया का भी अंदाजा हो गया, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल विच इज यू दैट यू रीड द क्वेश्चंस वन बाय वन, अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड फाइंड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस इन द गिवन पैसेज विद मोर फोकस रीडिंग, अंडरलाइन इफ नीडेड. ठीक है, दूसरा वो कहता है कि आप अब सवालात को पढ़ें, एक एक क्वेश्चन करके पढ़ें, समझे कि वो सवाल कह रहे हैं. ये नहीं कि पहला सवाल पढ़ा इमीडिएटली देखे ओ ये लव्स किधर था पैसेज के अंदर, चलो जी पैसेज में मिला वो लव्स, उसके आगे पीछे दो चार लाइन लिखी खत्म. ऐसा नहीं करना, रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू थिंक अबाउट व्हाट योर एग्जामिनर इज आस्किंग इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जी पूछा क्या जा रहा है उस सवाल के अंदर. ठीक है, मांग क्या रहा है एग्जामिनर, क्या मैं उल्टी ऊट पटांग चीजें लिख रही हूँ, क्या हो क्या रहा है इस एग्जाम इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, इस पर्टिकुलर पैसेज के अंदर. ठीक है, उसके बाद आपने उसका जवाब ढूंढना है इन द क्वेश्चन इन द गिवन पैसेज कि राइटर ने या ऑथर ने जो बात की थी वो एग्जैक्टली पैसेज के अंदर किधर लिखी हुई है. और जब आपको मिल जाएगी तो ऐसे अंडरलाइन करके ऊपर छोटा सा वन लिख दें कि ये वन का जवाब है, फिर पैसेज के नीचे जाए तो जी टू का जवाब है.
इसका थोड़ा सा अपने लिए भी मार्क कर लें ताकि आपको वापस रिफर करने में काफी आसानी हो. ठीक हो गया. तीसरी जो आपका है इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देन यू टेक अप एवरी क्वेश्चन एंड यू आंसर इट विद द मटेरियल गिवन इन द पैसेज. आप सवाल लें, आप पहला सवाल आप लिखें और उसका जवाब दें. 3 से 4 लाइनों में आ जाता है आराम से जवाब. आप अपना जवाब लिखें और समझाएं उसको कि जी आपने पैसेज में ये चीज लिखी हुई है और इसका जवाब ये है. ठीक है. इसमें रेप्लिकेशन थोड़ी बहुत अलाउड होती है लेकिन आई वुड स्टिल स्ट्रांगली एक्सेप्ट एंड ऑल्सो रिकमेंड कि अगर आप अपने लफ्जों में लिखेंगे तो जाहिर है इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा. अगर आपने सिर्फ छापा हुआ है, सिर्फ मतलब छापे मार के आपने जवाब दिया हुआ है कि जी पैसेज में ये था, वही चीज रिप्रोड्यूस किया वर्ड बाय वर्ड, देन इट माइट नॉट गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर. इट माइट सीम लाइक यू हैव ओनली रिप्रोड्यूस्ड एंड यू माइट नॉट हैव अंडरस्टूड व्हाट वाज बीइंग सेड इन द पैसेज. सो अपने वर्ड से लिखने का ये भी फायदा होता है दैट द एग्जामिनर काइंड ऑफ 100% नोज कि इसको समझ आ गया, तभी इसने रिप्रोड्यूस नहीं किया. तो अगेन आप लव्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जितनी प्रेसी के अंदर होती है. लेकिन यह है कि आई वुड स्टिल रिकमेंड कोशिश करें कि अपने अल्फाज इस्तेमाल करें आप इसमें भी. ठीक है. अच्छा जी, ये कुछ चीजें हैं कि आपका जो सवालात होते हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल यूजुअली हो सकता है कोई किस्मत खराब हो तो डिफिकल्ट प्रेस इतनी आए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी सवालात फॉलो ना करें. लेकिन नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस और मेजोरिटी ऑफ द केसेस जो क्वेश्चन 1 होगा उसका जवाब हमेशा शुरू में ही होगा, क्वेश्चन 2 का जवाब उसके नीचे होगा, क्वेश्चन 3 का जवाब उसके नीचे होगा. मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करता है सवालात, जस्ट टू मेक इट इजी फॉर द कैंडिडेट एज वेल टू फाइंड द आंसर इन द पर्टिकुलर पैसेज, ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे, आप जल्दी जल्दी इसको करें और आगे जाएं. ठीक है. तो कोशिश करें कि अगर क्वेश्चन 2 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका जवाब अगर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको वो पहले दूसरे पैराग्राफ में मिल जाएगा. डोंट लाइक गो टुवर्ड्स द एंड फर्स्ट एंड बी लाइक अच्छा इसका भी मैंने जवाब इधर ढूंढना है, एंड पे होगा, भी इतना कंफ्यूजिंग पेपर तो बनाया होगा एग्जामिनर ने. मतलब इतने एक्सपेरिमेंट्स वो लेते नहीं है. एंड सेकेंडली इट्स द प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन पेपर इज जस्ट टू गेज योर लैंग्वेज स्किल्स, योर grammatical errors if you've made any or not. I mean, it's not to confuse you कि भाई मैंने 3 घंटे में उसको कन्फ्यूज भी करना है और कन्फ्यूज किस तरह से करना है कि भी जवाब इधर उधर कर दूंगा. मतलब आई मीन ट्राई टू थिंक अबाउट वट द एग्जामिनर इज ऑल्सो माइट ऑल्सो बी थिंकिंग वन इज मेकिंग द पेपर. सो ही इट्स हार्ड टू बिलीव लेकिन इतने बुरे नहीं होते एग्जामिनर. आई मीन जस्ट ट्राई टू फाइंड द आंसर 1 by 1 ऊपर नीचे ही होते हैं. अच्छा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ये है, इम्पॉर्टेंट रूल है कि आप वही टेंस इस्तेमाल करें जो कि सवालात में दिया हुआ है. अगर इस दिया हुए सवाल में तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे आप, अगर सवाल में वाज दिया हुआ है तो आप पास्ट टेंस पे चले जाएंगे. जिस तरीके से आपका सवाल जो कुछ कह रहा है आप एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड उसी तरीके से आप जवाब देंगे, इन द सेंस के टेंस वही इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. ये नहीं कि अगर पास्ट टेंस का सवाल है तो आप उसको फ्यूचर टेंस में जवाब दें. ठीक है. एंड ऑब्वियसली वाइस वर्सा. छठी जो चीज है वो ये है कि यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन कंप्लीट क्लियर कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंसेस, यूज योर ओन एक्सप्रेशन. 2 बातें कर दी मैंने इस पॉइंट में. पहली बात है कि आपने क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे अल्फाजों में आपने उसका जवाब देना है. ठीक है. अल्फाज में आपने उसका जवाब देना है. ठीक है. क्लैरिटी होनी चाहिए. ये बिल्कुल ना लगे एग्जामिनर को कि आपको क्लैरिटी नहीं है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर. ठीक हो गया. और दूसरी बात है कि जो मैंने पहले भी की थी कि अपने एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें तो अच्छी बात होगी. आप रिप्रोड्यूस करें तो इतना मार्क्स, मतलब वो पिनलाइज करता है मार्क्स में लेकिन इतना वो माइंड नहीं करता कॉम्प्रिहेंशन में जितना वो प्रेसी में करता है. लेकिन फिर भी भाई अगर आपने एक अच्छा एग्जामिनेशन अगर आपने अच्छा देना है, अगर आप मतलब यू नो यू वॉन्ट गेट गुड मार्क्स, देन ट्राई नॉट टू रिप्रोड्यूस. आई वुड ओनली रिकमेंड रिप्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स इन अ सिनेरियो वेयर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि पैसेज क्या कह रहा है. यू नो आपको पल्ले ही नहीं पड़ा कि पैसेज क्या कह रहा है जो है ना. फिर आप कोशिश करें कि बेहतर है कि अपनी तरफ से कुछ गलत मलत ना लिख दें. बेहतर आप फिर कुछ वही पैसेज में से 2-3 लाइनें उठाएं और सवालों के नीचे लिख दें. उसके अलावा इफ इट्स सो इजी दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पैसेज तो फिर आप मत करें, कोशिश करें अपने अल्फाज में लिखें. ठीक है. उसके बाद जो आखिरी जो बात आ जाती है वो लेंथ के ऊपर बात आती है कि जी लेंथ आल्सो डिपेंड अपॉन द गिवन मटेरियल इन द पैसेज. सो समटाइम्स हो सकता है कि एक पैसेज इतना लंबा हो कि आपका ज्यादा टाइम लग जाए.
हो सकता है कि आपको आपके लिए वो पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो, उस सवाल का जवाब या बहुत ज्यादा मटेरियल लिखा हो, तो ऑटोमेटिकली वो लंबा चला जाएगा, 5 से 6 लाइनों में चला जाएगा, 6 से 7 लाइनों में भी जा सकता है। लेकिन कोशिश करें कि मोर लेस अपने जवाबों को 4 लाइनों तक महदूद रखें। उससे होता यह कि एक तो एक अच्छा इंप्रेशन भी आता है एग्जामिनर पे कि भाई इसको समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है, इसको तो ये बेसिकली मुझे पैराग्राफ्स लिख के नहीं दे रहा, he or she has understood what was asked in the question and what has been written in the passage. So कोशिश करें कि अननेसेसरी मत लिखें, लेकिन हाँ आंसर की लेंथ डिपेंड कर सकती है, वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द मटीरियल प्रेजेंट इन द पैसेज। ठीक है, दीज वर सम ऑफ द जनरल रूल्स विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन। आपके साथ जब मैं प्रैक्टिस प्रेसी करूंगी तो इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड दिस मोर, लेकिन लेट मी टेल यू दैट यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स इन द कॉम्प्रिहेंशन अनलाइक प्रेसी, बिकॉज इट्स हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स इन द प्रेसी, बट कॉम्प्रिहेंशन में पॉसिबल है और बहुत आराम से पॉसिबल है। सो वॉट यू नीड टू डू इज जस्ट रीड द पैसेज केयरफुली, फॉलो ऑल ऑफ दीज रूल्स, ट्राई नॉट टू मेक अ ब्लंडर, अ ग्रामेटिकल ब्लंडर और ग्रामेटिकल मिस्टेक। जस्ट कोशिश करें कि आप अपनी चीजें जो है, रूल्स जो है, आप अपने टिक ऑफ करते जा रहे हैं साथ साथ। थैंक यू सो मच। हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो बाय नाउ वी आर डन विद मेजर जो दो आपके पोर्शंस होते हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रेसी है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, वी आर डन द प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसीज एज वेल। तो नाउ वी कैन फाइनली मूव फॉरवर्ड, बिस्मिल्लाह करते हैं बाकी जो कंपोनेंट्स हैं जिसको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई प्रेसी पास होगी तो सब पास हो गया, मतलब कि बाकी भी जो हैं आपके कंपोनेंट्स दे हैव अ गुड वेटेज एंड दे कंट्रीब्यूट टू द फाइनल मार्क्स। तो इट इज ऑलवेज गुड पास करके आगे नंबर भी तो लेने हैं ना प्रेसी के पेपर में। तो आप और ये काफी बेसिक चीजें हैं जो कि हम आराम से इग्नोर कर देते हैं जस्ट बिकॉज वी डोंट नो द रूल्स एंड वी डोंट वॉन्ट टू प्रैक्टिस। अगेन आई हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू 5 रूल्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। ठीक है, इन केस इफ यू एवर गेट समथिंग ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ठक ठक करके 5 रूल्स हैं जो मैंने अप्लाई करने हैं। ठीक हो गया, चलें जी। एक्टिव वॉइस क्या होती है कि जब एक सब्जेक्ट जो है डायरेक्टली एक्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिस तरह से बड़ी सिंपल सी एक लाइन है कि आई बॉट अ होंडा का कार। ठीक है, अब सब्जेक्ट जो है इसमें आपका आई, ठीक है, आपने खरीदी गाड़ी तो वो वर्ब हो गया, और क्या कौन सी गाड़ी खरीदी, होंडा कार खरीदी। ठीक हो गया, तो इस तरह ये आपका जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। अब जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जरा सी शिफ्टिंग हो जाती है। ये तब होता है When the object is acted upon by the subject, ठीक है, जब object plus verb plus subject हो जाता है, जो कि subject और object की जो positions है वो change हो जाती है। A Honda car was bought by me, ठीक हो गया, ये past tense में है, ये भी past tense में, कि मैंने Honda गाड़ी खरीदी, a Honda car was bought by me, ठीक है, ये passive हो गया उसका। अच्छा जी, चेंज करना होता है जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो आप जिस तरह मैंने भी बताया कि इट कैन यूजुअली बी सीन एज अ रिवर्सल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, के जो नॉर्मल आपका सेंटेंस होता है उसको आप जरा सा रिवर्स कर देंगे तो वो आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक हो गया, इसके डायरेक्टली बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराऊंगी तो आपकी और भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली मैं देख रही हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही आते हैं आपको, तो ज्यादा शायद रेलिवेंट भी वो होगा, पर नेवरदलेस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जानना जरूरी है। अच्छा जी, इट कैन सबसे इसकी जो क्या निशानियां होती है कि आपका यूजुअली सेंटेंस जो है वो रिवर्स हो जाता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब आप जाते हो तो। ठीक है, सेंटेंस माइट हैव टू वर्ब्स। ठीक है, सबसे पहला आपका आ जाता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हो गया, ईट, बाय, स्लीप, रीड, राइट, ये आपके मेन वर्ब्स हो जाते हैं। ठीक है, कि आप कर क्या रहे हो उस टाइम पे। ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाते हैं आपके बी, डू, हैव, जो आपके बेसिकली कनेक्ट कर रहे होते हैं बीच में, जिसकी मिसालें मैं आपको आगे जाके देती हूँ। मेन, अच्छा, अब मसला ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ना उनको चेंज करना मुश्किल है एक्टिव से पैसिव में। मेन वर्ब्स को बहुत आराम से आप कन्वर्ट कर देते हो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। ठीक है, बहुत आराम से चेंज कर लेते हो। एक्टिव है दिया हुआ आपको कुछ, एक्टिव वॉइस में कुछ, पैसिव वॉइस में आपने उसको करना है, तो बहुत आराम से आपने उसको चेंज कर लेना है फ्रॉम इट्स फर्स्ट फॉर्म टू द थर्ड फॉर्म। ये मेन वर्ब्स के लिए, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए नहीं है, उसकी आगे बात करते हैं हम। अच्छा जी, रूल नंबर वन,
अब ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसके लिए थोड़ी सी चेंजेस और रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब रूल्स समझाने लगी हूँ कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब आपने कन्वर्ट करना है तो क्या क्या रूल्स आपने इस्तेमाल करने हैं। रूल वन ये है कि आप सिंपली एक्सचेंज कर दें प्लेसेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो मैंने पहले भी बताया कि जो सब्जेक्ट है ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, ठीक है। वो जो मैंने बताया था कि तानिया बॉट अ होंडा का, ठीक है, होंडा का वॉज बॉट बाय तानिया, वुड बी पैसिव देन, ठीक है, एक्टिव से पैसिव हो गया। राशिद रोट अ लेटर, वुड बी एक्टिव, अ लेटर वॉज रिटन बाय राशिद, वुड बी पैसिव। अब पैसिव में हो क्या रहा है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया, जगह जो है वो रिप्लेस हो गई है, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है कि आपने ब्लाइंडली आंखें बंद करके जो मेन वर्ब जो है ना आपका, उसको आपने चेंज कर देना है फ्रॉम इट्स फर्स्ट फॉर्म टू इट्स थर्ड फॉर्म, ठीक है। बहुत इजीली आपने चेंज कर देना है, ठीक है। इसमें आपने कुछ और नहीं सोचना, इट्स अ गिवन रूल। ईट ईटन हो जाएगा, से सेड हो जाएगा, स्लीप जो है वो स्लेप्ट हो जाएगा, किल जो है वो किल्ड हो जाएगा, ठीक है, सही हो गया। अच्छा जी, अब जो है आपका तीसरा रूल, तीसरा रूल कहता है कि जो अब ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात कर लेते हैं, यूज द वर्ड बाय बिफोर द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, ठीक है। सो बाय जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली पैसिव वॉइस में चला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राशिद रोट अ लेटर, अ लेटर वॉज रिटन बाय राशिद, ठीक है, पैसिव में चला गया। राम सैंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग वॉज संग बाय राम, ठीक है। अब ये नोटिस करें कि सैंग जो है वो चला गया थर्ड फॉर्म में, संग में चला गया, ठीक है, साथ साथ ये भी चेंज हो रहा है और बाय लग गया बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा जी, रूल नंबर फोर क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो चेंज होता है विद द मेन वर्ब, मतलब जो जो मेन वर्ब्स में चेंजेस आ रही होंगी वही आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी चेंजेस आ रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट टेंस में, अहमद ईट्स पाए, पाए इज ईटन बाय अहमद, ठीक है, बाय लग गया आपका, ठीक है, ईट जो है वो ईटन हो गया, ठीक है, आपको निशानियां याद हो गई, ठीक हो गया। अब पास्ट टेंस में बात करते हैं, शी वॉक्ड माई डॉग होम, वॉक्ड पास्ट टेंस, माई डॉग वॉज वॉक्ड होम बाय हर, बाय आ गया आपका फिर से, ठीक है। फ्यूचर टेंस, यू विल राइट अ स्टोरी विल बी रिटन बाय यू, ठीक है। अब ये क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो इसका मतलब है कि पैसिव भी फ्यूचर टेंस होगा। मैं आपको बताती हूँ मसला क्या होता है। अब यू विल राइट अ स्टोरी, ठीक है, अब इसका जो पैसिव होगा वो उसमें विल बी आ जाएगा, ठीक है। जब बी आएगा वो क्यों आएगा, क्योंकि आप फ्यूचर को रिफर कर रहे हो, क्योंकि आपका एक्टिव वॉइस फ्यूचर में था, ठीक हो गया। पांचवा जो रूल है वो आपका आ जाता है कि समटाइम्स वी कैन ऑल्सो यूज टू और विद इन प्लेस ऑफ बाय इन द पैसिव वॉइस। अगेन जो ये निशानियां सिर्फ याद रखवाने के लिए आपको कि भाई क्या क्या, अगर बाय नहीं लग रहा तो टू आ जाएगा या विद आ जाएगा, मतलब कि ये कॉमन जो चेंजेस हैं वो होती हैं। अगेन इट इज ओनली टू मेक योर लाइफ इजियर, ताकि उस पॉइंट पे आपको सिर्फ रूल्स याद हो कि भाई नहीं थक करके ये लगाना है, ये नहीं लग रहा तो ये लग जाएगा, ये नहीं लग रहा तो ये लग जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी वो कह रहा है कि बाय की जगह आप टू या विद भी लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ योर एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस हैज बीन फ्रेम्ड। अन्य वाह नहीं लगाना, जिस तरह से आप सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखो किस तरीके से फ्रेम हुआ हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लव फिल्स माय हार्ट, ठीक है, अब इसमें मतलब ये नहीं कह सकते हो कि मतलब कि माय हार्ट इज फिल्ड विद लव, दिस विल ऑलवेज बी बेटर देन एंड ऑब्वियसली मोर अप्रोप्रिएट देन माय हार्ट हैज बीन फिल्ड बाय लव और समथिंग, ठीक है, बिकॉज उसमें आप चेंज कर रहे हो चीजें, has been लेके आ रहे हो। इसमें बहुत आराम से यू कैन राइट माई हार्ट इज फिल्ड विद लव, ठीक है। आई नो हर, शी इज नोन टू मी, तो यहाँ पे टू आ गया, बाय नहीं आ सकता यहाँ पे, विद नहीं आ सकता यहाँ पे, यहाँ पे विद आया है तो बाय नहीं आ सकता, टू नहीं आ सकता, ठीक है। यू हैव टू सी वॉट इज मोर अप्रोप्रिएट इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, एंड दीज आर ऑलवेज एवरी डे यूज सेंटेंस, तो इट्स नॉट लाइक something out of the ordinary is going to be given to you in your exam. वापस दोबारा से repeat कर लेते हैं पांच जो rules हैं active से passive voice में change करने के लिए और vice versa.
फर्स्ट आपने सिर्फ एक्सचेंज कर दिए प्लेसेस ऑफ द सब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट इन अ वे कि जो आपका सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस है दैट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा. रूल नंबर टू, आपने जो मेन वर्ब है आपका आपने उसको ब्लाइंडली कन्वर्ट कर देना है अपने तीसरे फॉर्म में, ठीक है, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, ईट ईटन, किल किल्ड, इस तरह करके, ठीक है. अच्छा, तीसरा रूल है बाय, आप बिफोर योर सब्जेक्ट, ठीक है, इन द एक्टिव वॉइस आपने पैसिव वॉइस में जब करना है तो अपना जो आपका सब्जेक्ट था उसके पहले बाय लगा दो. राम सैंग सॉन्ग, सॉन्ग वाज संग बाय राम. व्हाई डू आई से राम? अच्छा, रूल नंबर फोर, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो साथ चेंजेस इन द मेन वर्ब जिस तरह आते जाएंगे उसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब भी आपका चेंज होगा. मेन वर्ब को चेंज करना आसान है, तीसरी फॉर्म में कर दो. ऑक्सिलरी को चेंज करना मुश्किल है थोड़ा सा, बिकॉज यू हैव टू सी विच टेंस हैज बीन यूज्ड इन द एक्टिव वॉइस. अहमद ईट्स पाई, पाई इज ईटन बाय अहमद, ठीक है. पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस ही आएगा, फ्यूचर टेंस है तो विल बी आ जाएगा, ठीक है. मतलब बाय नहीं आएगा बिकॉज आपने विल बी करोगे. यू विल राइट अ स्टोरी विल बी रिटन बाय यू, ठीक है. अच्छा जी, पांचवा रूल आपका आ गया कि कभी कभी बाय नहीं लगता तो टू ट्राई करें, विथ ट्राई करें. दिस इज अगेन वाई कॉमन वर्ड्स टू बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस, ठीक है. लव फिल्स माय हार्ट इज विद लव, फिल्ड विद लव. आई नो हर, शी इज नोन टू मी, ठीक है. दीज आर योर फाइव रूल्स फॉर चेंजिंग from active to a passive voice. अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन ऑलवेज टेक अप सेंटेंसेस फ्रॉम द इंटरनेट. इतना इसको मैं डिटेल में और डिस्कशन नहीं होगी. दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम. थैंक यू सो मच. I'm calling, maybe I'm selfish.